अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप फ्रेश होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल। ड्रामा सीरियल एहराम जुनून में अगली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि शानजे ने शानी की खुशी की खातिर शानी को संजीला से शादी करने की इजाज़त दे दी, लेकिन इसके बावजूद शानी की परेशानियां तो बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि शानी की वालदा संजीला की वालदा दोनों ने ही इनकार कर दिया है, जबकि शानी की वालदा तो ये शादी किसी सूरत भी नहीं होने देंगी। उधर शानी नादिया को कह देता है कि मेरा किसी किस्म से आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोगों ने जो मेरा इस्तेमाल करना था सो कर लिया। नादिया कहती है कि शानी भाई, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? शानी कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, आप लोगों ने दौलत की खातिर मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं संजीला से मोहब्बत करता हूँ और संजीला मुझसे मोहब्बत करती है, इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं चाहता। शानी की बात सुन के नादिया जी कह देती है कि भाई, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, शानजे ने आपकी खातिर क्या कुछ नहीं किया, शानजे ने आपकी मोहब्बत की खातिर इतना सब कुछ किया, अब आपको इसका साथ देना चाहिए, ना कि इसे छोड़कर दूसरी शादी करनी चाहिए। ये बात सुनकर शानी कहता है कि जब शानजे को इस शादी पे कोई एतराज़ नहीं तो आप लोग ये एतराज़ क्यों कर रहे हैं? संजीला को मैं इस बार खोना नहीं चाहता, संजीला मेरी मोहब्बत है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि सामिया बेगम अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है कि बड़ी मुश्किल से तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने जा रहा है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अब तुम्हें कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं सोचनी चाहिए। ये बात सुनकर शानजे एक बार फिर बड़े ही गुस्से से कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसका फैसला करना अच्छी तरह जानती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं शानी की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ ना, और शानी की खुशी संजीला है तो वो शानी संजीला से शादी करना चाहता है, अगर ये ना होते तो शानी मेरे साथ भी नहीं रहेगा, अगर शानी ने अपनी जान ले ली तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। जबकि शानी साफ कह चुका है कि अगर उसकी संजीला से शादी नहीं हुई तो वाकई ही वो मैं अपनी जान दे देगा। सामिया कहती है कि शानजे, शानी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम बेवकूफ बन रही हो। ये सब देखेंगे आप नेक्स्ट एपिसोड में। मजीद नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में लगे बेल को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप फ्रेश होंगे। वेलकम टू बैक माई चैनल। ड्रामा सीरियल एहराम जुनून में अगली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि शानजे ने शानी की खुशी की खातिर शानी को संजीला से शादी करने की इजाज़त दे दी, लेकिन इसके बावजूद शानी की परेशानियां तो बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि शानी की वालदा संजीला की वालदा दोनों ने ही इनकार कर दिया है, जबकि शानी की वालदा तो ये शादी किसी सूरत भी नहीं होने देंगी। उधर शानी नादिया को कह देता है कि मेरा किसी किस्म से आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोगों ने जो मेरा इस्तेमाल करना था सो कर लिया। नादिया कहती है कि शानी भाई, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? शानी कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, आप लोगों ने दौलत की खातिर मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं संजीला से मोहब्बत करता हूँ और संजीला मुझसे मोहब्बत करती है, इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं चाहता। शानी की बात सुन के नादिया जी कह देती है कि भाई, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, शानजे ने आपकी खातिर क्या कुछ नहीं किया, शानजे ने आपकी मोहब्बत की खातिर इतना सब कुछ किया, अब आपको इसका साथ देना चाहिए, ना कि इसे छोड़कर दूसरी शादी करनी चाहिए। ये बात सुनकर शानी कहता है कि जब शानजे को इस शादी पे कोई एतराज़ नहीं तो आप लोग ये एतराज़ क्यों कर रहे हैं? संजीला को मैं इस बार खोना नहीं चाहता, संजीला मेरी मोहब्बत है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि सामिया बेगम अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है कि बड़ी मुश्किल से तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने जा रहा है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अब तुम्हें कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं सोचनी चाहिए। ये बात सुनकर शानजे एक बार फिर बड़े ही गुस्से से कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसका फैसला करना अच्छी तरह जानती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं शानी की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ ना, और शानी की खुशी संजीला है तो वो शानी संजीला से शादी करना चाहता है, अगर ये ना होते तो शानी मेरे साथ भी नहीं रहेगा। अगर शानी ने अपनी जान ले ली तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। जबकि शानी साफ कह चुका है कि अगर उसकी संजीला से शादी नहीं हुई तो वाकई ही वो मैं अपनी जान दे देगा। सामिया कहती है कि शानजे, शानी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम बेवकूफ बन रही हो। ये सब देखेंगे आप नेक्स्ट एपिसोड में। मजीद नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में लगे बेल को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया।